गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. प्रज्ञान आर्यस अकेडमी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. जगदीश, नवीन, मोनिका, मनीषा, अमर सिंह, किशोर राम, अभिषेक, जगदीश, सबको गुड मॉर्निंग. अमन, शबाना, रचना, गुड मॉर्निंग. ओमपाल सिंह, गुड मॉर्निंग. राजस्थान की कला संस्कृति में लोक कला, हस्तकला का टॉपिक है, जिसमें आपको भी राधे श्याम, जिसमें हम लोगों को मेजर 8 पॉइंट याद रखने थे. सबसे पहले वस्त्र पर, वस्त्र के साथ हम आभूषण, आभूषण के साथ में शस्त्र. ये तीन तो शस्त्र किस किस के हो सकते हैं? धातु के हो सकते हैं, लकड़ी के हो सकते हैं, मिट्टी के हो सकते हैं, पत्थर के हो सकते हैं और चमड़े के हो सकते हैं. ये 8 मेजर टॉपिक आपको याद है इस क्षेत्र में. अनिल, गुड मॉर्निंग. जितेंद्र, इरफान, माधुरी, सबको गुड मॉर्निंग. ये 8 सबके दिमाग में बैठ गए ना, सेट हो गए धीरे धीरे. यू टू जगदीश, संजू, जय श्री कृष्णा, मनीषा जाट, नमस्ते, डॉक्टर दया, गुड मॉर्निंग, डीवीजी विथ सर घनश्याम, ज्ञान सिंह, गुड मॉर्निंग. अच्छा, याद है. तो अब इनमें हम वस्त्रों पर कला, कौन कौन सी कल हमने पढ़ी? सबसे पहले पिछवाई, फिर फड़, फड़ के बाद में बंदेज, बंदेज के बाद में हम कहाँ आए? दाबू प्रिंट पर, सांगानेरी प्रिंट और बगरू प्रिंट. आज आगे चलेंगे. सबको रामकिशन गुड मॉर्निंग. ब्रह्मानंद यादव, आपको भी गुड मॉर्निंग. फटाफट आ जाइए सब लोग, क्योंकि राजस्थानी कला को भी हम हमारे टिप्स पर लेने जा रहे हैं. इसके लिए तो हमें इतनी बार तो बोलना ही पड़ेगा ना. इरफान याद है. ध्रुव गुर्जर, गुड मॉर्निंग. शेयर भी करते रहिए क्लास को, लाइक, कमेंट, शेयर चलने दीजिए. और जिसको टाइमिंग का पता नहीं है, सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल आइकन का बटन दबाइए ऑल पर. यूपीएससी बैटल, गुड मॉर्निंग. कला में वस्त्र, आइए देखते हैं कौन कौन सी हम पढ़ चुके हैं. ये देखिए कला, इनमें पिछवाई सबको याद है, नाथद्वारा, फड़, शाहपुरा, भीलवाड़ा, बंदेज की मंडी, जोधपुर. लेकिन ज़्यादातर काम मनराम, मीनू शेखावत, विशाल, सबको गुड मॉर्निंग. और बंदेज कहाँ है? जोधपुर. उसके साथ साथ ही सुजानगढ़. याद है जोधपुर का कौन कलाकार है? ब्राह्मणी केस, कृष्ण सोलंकी, रोहुआ सिरोही से प्रणाम कर रहा हूँ. आपको भी प्रणाम, बहुत बहुत. और बंदेज के बाद सुजानगढ़ में कौन कलाकार? तैयब जी खान कहाँ है? जोधपुर में. वहीं मुबारक और खाजू नाम कहाँ आएगा? सुजानगढ़. इसके बाद दाबू हम पढ़ चुके हैं. दाबू क्या होता है? दबाने की कला है ना. तो कपड़े के ऊपर जहाँ रंग नहीं करना होता है, वहाँ लेई या लुगदी लगा करके, लेई लुगदी का जो पदार्थ होता है ना, उसे बोलते हैं हम दाबू. दाबू अलग अलग प्रकार का है. अकोला चित्तौड़गढ़ का फेमस है ना, तो आप ही कमेंट करके बताएं दाबू कितने प्रकार के. किशोर राम, तैयब खान, मोनिका, तैयब खान, हेमा, गुड मॉर्निंग. दाबू, मोम का दाबू या मेण का दाबू, सवाई माधोपुर, मिट्टी का दाबू, बालोतरा, बाड़मेर. वहीं आपने गेहूं के बींधन का दाबू कहाँ देखा? सांगानेरी प्रिंट में और बगरू के प्रिंट में. ठीक है, वहीं देखिए आप, सांगानेरी प्रिंट और बगरू के प्रिंट में आपने मेजर 2 डिफरेंस कौन से देखे? कि सांगानेरी प्रिंट का जो आंगन है वो कैसा है? सफ़ेद है. वहाँ मटमेला, मटिया है. यहाँ विषय कुछ भी हो सकता है सांगानेर में. वहाँ बेल बूटे ज़्यादा प्रसिद्ध है. वहाँ कौन था? बगरू के अंदर रामकिशोर चीपा, यहाँ मुन्नालाल गोयल. तो ये डिफरेंस तो आपको पता है ना, रासायनिक और प्राकृतिक रंग दोनों ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं सांगानेर में. वहाँ ज़्यादातर क्या होता है? प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता है. तो बगरू तक हम कर चुके थे. क्या आप मेरे साथ साथ इस बात से सहमत हैं कि ये हमें हमारी
फिंगर ऑन टिप्स याद है? रोशन लाल, अच्छा आंसर दे रहे हैं सभी छपाई का। ठीक, अब आज पढ़ते हैं खड़ी क्या होता है। खड़ी या फिर इसको रेवड़ी भी बोलते हैं। सबसे पहले तो ये जयपुर व उदयपुर की प्रसिद्ध है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, लाल रंग की साड़ी पर, ध्यान रखना क्योंकि ये सभी लाइनें याद क्यों होनी चाहिए, मेंस के लिए, गोंद मिश्रित, गोंद मिश्रित मिट्टी की छपाई। यहीं पर खत्म नहीं होता है, गोंद मिश्रित मिट्टी की छपाई, फिर उस पर लकड़ी के छापे से सोने चांदी के बेल बूटे, इनकी छपाई होती है, वो कहलाता है खड़ी। अब इसको कैसे याद रखेंगे, पहले स्क्रीनशॉट लो आप इसका, खड़ी की छपाई। खड़ी रेवड़ी है ना? यस मैम, याद है याद है याद है याद है। दिनेश, विशाल, कृष्णा, चंबल घाटी का चीता, सबको याद है। खड़ी मिट्टी, खड़ी खड़ी शब्द याद है ना, खड़ी किससे होता है, खड़िया, खड़ी लीपने पोतने की जो काम आती है, तो सबसे पहले खड़ी नाम आते ही मिट्टी। वैसे भी अपन सब किस पे खड़ी, मिट्टी पर, तो मृदा नाम आएगा तो ये मृदा की छपाई होगी। लेकिन कैसे, लाल रंग की साड़ी पर गोंद मिश्रित मिट्टी, ऐसे तो मिट्टी नहीं होगी, उसमें क्या मिलाएंगे, गोंद, फिर लगाएंगे छापे। तो खड़ी का नाम आते ही सबसे पहले मिट्टी आएगा ना, तो मिट्टी आते ही ये पूरी परिभाषा हो जाएगी, क्योंकि मिट्टी की छपाई से तो काम चलेगा नहीं, ऊपर फिर हमें क्या करना पड़ेगा, सोने चांदी के बेल बूटे, फूल पत्तियां बनानी पड़ेगी ना। ये छपाई आराम से याद हो सकती है, बशर्त हमें इस शब्द का मीनिंग पता हो। तो आप तो ये याद आते ही मिट्टी याद करो, और मिट्टी से ये पूरी कहानी याद आ जाएगी, और मिट्टी जयपुर। और ज्ञान सिंह पूछ रहे हैं कौन सा टॉपिक चल रहा है। अरे महानुभव, ये देखने से ही पता चल रहा है कि ये साड़ियां हैं, कला है, तो राजस्थान की हस्तकला लोक कला है माय डियर ज्ञान सिंह। आज आप पहली बार आए लेकिन बी रेगुलर। ललित धाकड़, गुड मॉर्निंग। तो खड़ी का नाम आते ही क्या आएगा दिमाग में, मिट्टी। तो मिट्टी की छपाई है लेकिन गोंद मिश्रित है, फिर उसके ऊपर सोने चांदी की छपाई है, किसके साथ में, छापे के साथ में, ठीक। छापे से सोने चांदी की छपाई बेल बूटे के रूप में, फूल पत्तियों के रूप में की जाती है, जो कि जयपुर व उदयपुर की प्रसिद्ध है। इज इट क्लियर? जगदीश, विशाल, क्यों हंसी आ रही है, फिर से देखिए। खड़ी याद हो गया, बिल्कुल हो गया, बोलो हो गया, खड़ी दिमाग में बैठ गया। एक एक चीज बैठनी चाहिए, धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन इसके बाद नहीं पढ़ेंगे ये तय है, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। अब स्थितियां सब सामान्य हो रही है ईश्वर की कृपा से, सब कुछ, मार्केट भी ओपन है, बहुत जल्दी हमारे सामने एग्जामिनेशन की डेट आ जाएगी, तो तैयारी अब जोरों शोरों से करनी है। तो केवल कला संस्कृति ही थोड़ी एक टॉपिक है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हमको पढ़ने हैं, लेकिन ये ऐसा पढ़ लें कि आप सीधा एग्जामिनेशन हॉल में जाके देखेंगे ऑप्शन क्या आया। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ, एजुकेशन क्लब बिल्कुल हुई क्लास, रामकिशन बिल्कुल, पेड कोर्स अवेलेबल, बहुत जल्दी आप दिए गए नंबर पर संपर्क करें, है ना, बिल्कुल क्लास होती है, डेली होती है, आप सब्सक्राइब करें चैनल को। हाँ, कृष्णा सोलंकी बोल रहे हैं बिल्कुल सही मैम, हाँ तो सही कह रही हूँ। इसके बाद आप देखिएगा, आप अगर नहीं भी पढ़ोगे ना, आपका सवाल गलत नहीं होगा, होगा क्या
तो अब देखें खड़ी हो गया हमारे सामने बातिक क्या चीज है, बातिक को देखते हैं। अब ये बातिक नाम आते ही आप सबसे पहले एक परिभाषा रट लो, मोम की सहायता से चित्रण, ठीक। इसमें कोई भी सूती सिल्क कपड़े पर पेन या मार्कर की मदद से मार्कर की सहायता से, बहुत धीरे धीरे पढ़ो आराम से, कहीं जल्दी नहीं है, सहायता से रूपरेखा ड्राफ्टिंग या फिर बोलेंगे आउटलाइन जिसको बोलते हैं, आउटलाइन तैयार कर रंग योजना कलर प्लानिंग की जाती है। पहले तो इतनी परिभाषा आनी चाहिए, फिर ये कला समझाती हूँ कहाँ की है ये बातिक। खंडेला कहाँ आता है, खंडेला सीकर, और इस कला को प्रसिद्धि दिलाने वाले कौन हैं, उमेश चंद्र शर्मा। इनके अलावा यदि हम अन्य कलाकारों को देखें तो अब्दुल माजिद और आर बी रायजादा। अब इसका स्क्रीनशॉट लो आप, ये कला है कौन सी, बातिक कला। खड़ी का नाम आया, चंबल घाटी का चीता, ये पीडीएफ ही तो है, सब कुछ तो इतनी डिटेल में ही हो रहा है। हाँ जगदीश, संडे को छोड़कर बिल्कुल क्लास हो रही है, एजुकेशन क्लब क्या पूछ रहे हैं, इनके कमेंट को समझने की कोशिश करें, आप बात करें। बातिक कला क्या है, वापस देखिए, बातिक कला से पहले आप लोगों ने खड़ी पढ़ी थी ना, खड़ी का मतलब क्या हुआ, मिट्टी। और जैसे ही मिट्टी का नाम आया आपको पता है मिट्टी में गोंद मिश्रित छपाई करेंगे, फिर उसके ऊपर छापे से हम सोने चांदी के बेल बूटे फूल पत्ती आदि बनाएंगे, तो वो जयपुर और उदयपुर बातिक। आप अपनी बात किससे करते हैं, सबसे ज्यादा बात खुलकर जो हम करते हैं वो हम करते हैं, विजय प्रकाश गुड मॉर्निंग, विशाल अभी तो आप डरो नहीं, इस बात से क्लास रेगुलर रहेगी, आप पढ़ो। नुपुर लिखने में जोर आता है तो रिजल्ट क्या यूं ही है, खैरात में मिलता है क्या। देखो बातिक, सबसे ज्यादा बात हम करते हैं हमारी मॉम से, मम्मी से, मदर से, तो आप बातिक बात को क्या करेंगे, बातिक से मॉम याद रखेंगे, किससे बात करनी है, किससे बातिक करनी है, मॉम से। तो मॉम की सहायता से चित्रण, यानी कपड़े पर जब मॉम लगा करके कलर डालेंगे तो मोम से क्या है, तड़क जाती है जमीन, और तड़कने के बाद उस मोम की सहायता से जब कलर डालते हैं ना तो चटकीला रंग उभर के आता है, अच्छा कलर आता है, इसलिए ये एक बहुत विशिष्ट शैली है, बातिक शैली है ना। तो हाँ पूजा यादव बिल्कुल जल्दी ही पढ़ाएंगे, तो मोम की सहायता से बातिक आते ही मोम आ गया, तो आप इतना ही ध्यान में रखें, प्रश्न घुमा फिरा के कैसे भी पूछा जा सकता है कि मोम की सहायता से चित्रण कहलाता है, पेच वर्क, खड़ी वर्क, जरी वर्क या बातिक वर्क, तो इतनी सारी बातें तो सिर्फ और सिर्फ मोम के साथ की जाती है।
तो मोम की सहायता से चित्रण, समझ गए ना, दरारें पड़ती है, फिर जब कलर डाला जाता है तो अच्छा कलर आता है। जमीन जितनी चटकी हुई होगी उतना ही रंग उभर कर आएगा। और पहले ही ये क्या करते हैं, मार्कर से इसकी आउटलाइन, रूपरेखा, ड्राफ्टिंग बना दी जाती है, फिर उसके अंदर कलर की प्लानिंग की जाती है। हाँ नुपुर, पीडीएफ मांगने वाले को, ओके, मुझे लगा आप कह रहे हैं अपनी मन की बात। शिव भगवान, गुड मॉर्निंग। तो बातिक के बाद में देखो खंडेला सीकर, खंडेला सीकर उमेश चंद्र शर्मा, इसका ये नाम आपको याद रहे ना रहे, अब्दुल माजिद और आर बी रायजादा, लेकिन आपको उमेश चंद्र शर्मा नाम याद रखना बहुत बहुत क्या है, आवश्यक है। तो आप तो सबसे पहले करो, कौन बात करता है, उमेश करता है अपनी मोम से, बातिक करता है, उमेश मोम बातिक खंडेला। वापस बोले, चार छोटे छोटे से टुकड़े ये हमेशा याद रहेंगे, उमेश मोम बातिक खंडेला। क्या हो गया याद, कमेंट करें कि इसके साथ और कोई ट्रिक चाहिए, ट्रिक से नहीं पढ़ना हमको, लेकिन ये बातें हमारी ट्रिक से कम नहीं है, क्यों राहुल। तो क्या किया, उमेश मोम बातिक और खंडेला, ये चार शब्द से आपको ये कला डन डना डन। नेक्स्ट देखते हैं कौन सी कला है, कमेंट नहीं आ रहे कि ये आपको याद हुए या नहीं हुए, उमेश मोम बातिक, कमेंट ही है तो है जो बताते हैं, फटाफट करो, यस इतना लिखने में आता तो ये थम्स अप करो। अब इसके बाद आप देखें कौन सी कला थी, पेच वर्क क्या होता है, यहाँ खड़ी आपने देख लिया, कंफ्यूज नहीं होना, हो तो दोबारा बात कर लेंगे, बातिक हो गया। उसके बाद में है पेच वर्क, पेच वर्क क्या होता है, देखो बहुत आराम आराम से पढ़ना, ये जो कल कमेंट कर रहे थे ना फटाफट पढ़ाओ मैम, ये फटाफट और कुछ कोई काम फटाफट हो सकता है लेकिन पढ़ा ही नहीं। ओहो, चंबल घाटी के चीते को इतना याद हुआ है, ओके। अलग अलग रंगों के कपड़े के टुकड़े, कपड़े के टुकड़ों को कपड़े पर, परिभाषा समझना, कपड़े पर अलग अलग डिजाइन, डिजाइन को हिंदी में अभिप्राय बोलते हैं, डिजाइन में सिलना क्या कहलाता है, पेच वर्क, पेज वर्क। पहले इसको लो आप, तो आराम से स्क्रीनशॉट धीरे धीरे पढ़ो, पेज वर्क है क्या और कहां का प्रसिद्ध है, ये है शेखावाटी का, आप ले लो स्क्रीनशॉट इसका, परिभाषा दो तीन बार पढ़ेंगे अलग अलग। हाँ कारी लगाना, समझ गए, अपने राजस्थान में कारी बोलते हैं उसको अलग अलग, तो वो एक डिजाइन है। अभी थोड़ी देर बाद जब ये टॉपिक वस्त्र का खत्म होगा हम देखेंगे पेच वर्क कैसा होता है। पेच वर्क अलग अलग रंगों के कपड़ों के टुकड़ों को, यानी छोटे छोटे अलग अलग, सब रंग अलग अलग हैं, टुकड़ों को कपड़े पर अलग अलग डिजाइन से, कोई गोल डिजाइन है, कोई चौकोर है, कोई ट्राइंगल में है, इन सबको जोड़ करके किसी कपड़े के ऊपर सिलना क्या कहलाता, पेच वर्क। अब ये कैसे याद रहेगा, खडीन तो मिट्टी से याद रह गया, मोम बातिक उमेश खंडेला याद हो गया, पेच का नाम आता है तो पेच वर्क, जहां पेचकस काम करता है वो तो टुकड़े टुकड़े में ही करेगा ना, एक साथ में तो चल नहीं सकता है, तो पेचकस, पेच वर्क, छोटे छोटे अलग अलग टुकड़े, शेखावाटी क्षेत्र की ये कला।
बताओ याद हुआ या नहीं। मेरा उद्देश्य न केवल आपको ये खाली जानकारी देना, जानकारी से रूबरू कराना, याद करवाना, तो वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, फटाफट आंसर आने चाहिए। पेच वर्क जहाँ आ गया, पेचकस के नाम से ये समझ रहे हैं इशारा मेरा, तो पेचकस क्या करेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में, और छोटे छोटे टुकड़ों को फिर हम बोर्ड पर जोड़ देंगे, यानी किसी कपड़े पर जोड़ देंगे। ए के वर्मा गुड मॉर्निंग, कृष्ण सोलंकी, अच्छा पेच वर्क का गलीचा बनाया था नुपुर, वेरी गुड। कुछ भी कुशन कवर बन सकते हैं, बिछाने का, ओढ़ने का, कुछ भी बनाया जा सकता है। इस मामले में राजस्थान की मिट्टी का कहना ही क्या है कला के मामले में, नहीं? आपका समझाने का लॉजिक कुछ अलग ही होता है, तो समझ में आता है ना? ठीक, इसके बाद देखें कौन सी कला। अजरक और मलीर की बात आएगी, बगरू प्रिंट की बात खड़ी आपने कर लिया, मिट्टी बातिक मोम उमेश खंडेला, पेच वर्क टुकड़े टुकड़े अलग अलग रंगों के, फिर उसको वापस कपड़े पर सिलना अलग अलग डिजाइन में, शेखावाटी क्षेत्र का पेच वर्क कहलाता है। अजरक और मलीर क्या है ये देखते हैं हम। माय डियर पूजा, ये सब इनफ है, आप चाहे एलडीसी से लेकर के आरएस तक की एग्जाम दे लीजिए, इनफ है। अमर सिंह, तो अब कला आती है आपकी अजरक और मलीर। ये अजरक इधर लिख देती हूं और थोड़ा सा इधर मलीर लिख देती हूं। हालांकि ये कला एक लाइन में बताती हूं, बाड़मेर की पारंपरिक विद यह है कला, पारंपरिक विधा बोल दीजिए, विधा कला ही होता है, या फिर कला बोल दें, ठीक है। अब अजरक इस वाले हिस्से में आप देखो यहां क्या होता है, दोनों ओर कपड़े के दोनों ओर, फिर भूल जाओगे कहीं, लिखो के दोनों ओर छपाई, और यहां क्या हो जाएगा, एक और छपाई, एक और छपाई, फिर यहां हो जाएगा रंग कौन सा है, तो अजरक में होगा नीला लाल, समझ रहे हो। अजरक के बाद इधर होगा काला और कथई। ये जो मलीर है ये स्पेशली बालोतरा बाड़मेर इसका केंद्र है, बालोतरा प्रमुख है। पहले इतना सा लो आप, उसके बाद और देखते हैं। अजरक और मलीर ये दोनों अंतर करते हुए लिख रहे हैं अपन थोड़ा सा, है स्क्रीनशॉट लो इसका पहले। दोनों और छपाई, ये तो क्या हो गया अंतर। अब इसमें ज्यामितीय क्या होता है, डिजाइन, जैसी ज्योमेट्री में होती है ना, त्रिभुज बनाना, गोला बनाना, तो ज्यामितीय अलंकरण इस छपाई का क्या है, मुख्य आकर्षण है, है ना। इसके अलावा आप लिखो, थोड़ा सा साइड में कर देती हूं, अजरक प्रिंट का कार्य खत्री जाति द्वारा, ठीक है, खत्री जाति द्वारा, और बालोतरा के कलाकार हैं, बालोतरा के
मोहम्मद यासीन छिपा। ये प्रमुख इनका बड़ा नाम है। वैसे ये कटार छींट के लिए जाने जाते हैं। इनकी जो प्रिंटिंग की छींट है, छींट उसी को बोलते हैं प्रिंटिंग को, समझते हो ना छींट का मतलब। हाँ बाड़मेर की है राधेश्याम स्पेशली, ये एक ही है, थोड़ा सा अंतर है इसमें कलर का। और किस चीज का कलर के अलावा, एक तरफ छपाई रंगों की और इसमें दोनों तरफ, बस ये डिफरेंस पूछ ले मेंस में तो पता होना चाहिए। बाकी मुख्य विशेषता अजरक मलिर आ जाए तो बाड़मेर की पारंपरिक कला है जिसके अंदर क्या होता है, जामितीय अलंकरण होता है। वहीं आप देखें ये खत्री जाति द्वारा काम किया जाता है। बाड़मेर के बालोत्रा के मोहम्मद यासीन छिपा प्रसिद्ध कलाकार हैं जिनकी कटार छींट, इनकी छाप जो पड़ी है ना, वैसे तो सभी में है लेकिन कटार छींट क्या है, प्रमुख है। किसकी, मोहम्मद यासीन छिपा, खत्री जाति। और बाकी डिफरेंस में अजरक और मलिर, याद कैसे करेंगे, अजरक मलिर बाड़मेर पढ़ लिया, ये दोनों याद नहीं हो रहे हैं। तो देखो मलिर मेला, और मेला जिसको होता है जिसका मन काला होता है, काक काक, का से काला, क से कथाई, तो एक याद हो जाएगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली कंफर्म हो जाएगा। अब तो आप लोग शायद मेरे पढ़ाई के पैटर्न को समझ गए होंगे कि जहां दो जगह कन्फ्यूजन हो उसमें एक कर लो। नुपुर के घर पे है अजरक की चद्दर, ओके, तो आप क्या करोगे, काक है ना, मलिर, का से काला, क से कथाई, तो ऑटोमेटिकली लाल और नीला किधर, और नीला ही याद कर लो आप तो, लो ये नीला, ठीक है, इससे ये देखो काट लो, नीला और लाल कलर हो जाएगा। अब तो याद हो गया ना अजरक और मलिर, हुआ या नहीं, अतुल, अमर सिंह, हितेश, सबको गुड मॉर्निंग, लेट आए आप। कमेंट में कंजूसी होगी तो फिर इधर भी कंजूसी होगी। ललित फटाफट आंसर लिखो कि क्या कोई कंफ्यूजन रह रहा है क्या, सब साथ साथ में लर्न हो रहे हैं आपको, और लर्न ही नहीं बाय हर्ट लर्न हो रहे हैं या नहीं। तो अजरक प्रिंट हमने पढ़ ली, ये रही। इसके बाद नमदा, जटपट्टी, जरी, खेसला, नांदना, कोटाडोरिया, जरदोजी, सब कुछ पढ़ेंगे। ज्ञान सिंह बिल्कुल मिलेंगे, तो ये सब ऑथेंटिक बुक्स हैं। बीके कायम खानी गुड मॉर्निंग, अच्छा सबको याद हो रहे हैं, ओके। तो देखो वापस, खड़ी में मिट्टी याद रही, बातिक में मोम, पेचकस टुकड़े टुकड़े अलग अलग रंग के, अजरक मलिर अपनों ने बाड़मेर का कर लिया, मोहम्मद यासीन छीपा याद रहेगा, वहीं खत्री जाति याद रहेगी। सिमिलरिटी में ज्योमेट्रिकल जितनी भी डिजाइनिंग होती है वो बनती है, उसके अलावा डिफरेंस पूछ ले तो अजरक में दोनों और है, इसमें एक और है मलिर में, मलिर में काक है काला और कथई है, तो यहाँ नीला है, नीला से ही लाल आ रहा है, ठीक है। एसपी साहब आ गए, चंबल घाटी का चीता, खेसले में आगे नहीं चलो नुपुर। फिर देखिए पेचवर्क हो गया अजरक मलिर, अब है नमदा, किसे कहते हैं, क्या है नमदा, किसे कहते हैं नमदा, नमदा ऊन को कूटकर उससे जो कलात्मक वस्त्र तैयार होते हैं उसे क्या कहते हैं। कहाँ का प्रसिद्ध है नमदा, देखेंगे हम ये। तो वापस आप तो ऊपर देखो, हालांकि बीकानेर के भी हैं, बीकानेर जेल के अंदर,
तो बीकानेर भी लिख लें प्रसिद्ध, लेकिन आपको टोंक तो रखना ही रखना है। नमदा, बिछाने के अटेस्ट हैं गलीचे दरिया नमदे टोंक बाड़मेर अजरक। अरे रुको 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 रुको, इतना जाओगे ना तो सब होच पोच हो जाएगा। मैं चाहती हूँ नीट एंड क्लीन एकदम। तो देखो नमदा क्या है, फिर इस वर्ड पर ध्यान दो, आपको ज़्यादा तकलीफ ना हो याद दिलाने के लिए कि जोर डालो आप दिमाग में, खेल खेल में कैसे करो। नमदा, ऊन से आप कोई कपड़े बना रहे हो तो ऊन देखो किससे बनती है, किससे बनती है, जानवरों के पशुओं के शरीर के ऊपर ही है बाल, उनको ही अपन क्या बोलेंगे, ऊन बोलेंगे। तो वो कितने कड़क होते हैं बोलो, हाँ कड़क है। अपन कह रहे हैं अरे भाई ऊन थोड़ी सी नमजा, ये राजस्थानी भाषा का एक शब्द है नमजा। नमजा का अर्थ होता है झुक जा, नरम हो जा। तो नमजा भाई ऊन नमजा, नहीं तो फिर कूट कूट के करूंगी, करना तो है ही है। पहले मैं कह रही हूँ नमजा, नहीं तो कूट करके फिर कला तो मैं अपनी दिखाऊंगी। नर्मदा नहीं है, नमदा है मीनू। तो ऊन को कह रहे हैं नमजा, नहीं तो कूट कूट करके कलात्मक वस्त्र तो मैं बनाऊंगी, बीच में मुझे टोक मत, इसलिए ये टोक की प्रसिद्ध है टोक। हाँ कड़क है विशाल, याद हुआ फिर, नमजा भाई, नहीं तो मैं कूट कूट कर नरम करूंगी और कलात्मक वस्त्र तो बनाऊंगी, मुझे कोई बीच में टोक के नहीं, टोक कला। मेरे हिसाब से देखो कितनी खेल खेल में हो रही है। तो फिर मैं एक दो सेकंड रुकती हूँ, कमेंट और शेयरिंग आपकी चलती नहीं है, आप चलने दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को कि देखो देखो लोक कला बिना किसी किताब खुले हुए हमारे दिमाग में अमिट छाप में कैसे रखें, लॉन्ग लास्टिंग याद कैसे रखें, एग्जामिनेशन में कन्फ्यूजन कैसे नहीं हो, उसकी एक बहुत सुंदर विधि है। देखो माधुरी की क्लैपिंग आई है, तो नमदा नमजा, नहीं तो कूट कूट करके कलात्मक वस्त्र बनाएंगे, मुझे कोई टोके नहीं, क्लियर। उसके बाद आप देखें नमदा, उसके बाद झटपटी, क्या होता है झटपटी, झटपटी देखो बकरी के बाल से निर्मित पट्टियां या पट्टी है ना, पट्टियां बिछाने की पट्टियां, ठीक। इसका प्रमुख केंद्र है, बकरियां सर्वाधिक कहां होती है, बाड़मेर, जसोल बाड़मेर इसका प्रमुख केंद्र है, जसोल बाड़मेर इसका प्रमुख केंद्र आ गया। और फिर इसके उद्योग को जीरोही, गंधहा और भाकला नाम से जानते हैं। ये जो बनाते हैं ना कार्य, क्या कर रहे हैं, जीरोही गंधहा भाकला नाम से जानते हैं। अब आप सोचोगे कैसे याद करेंगे, अभी करेंगे, लो आप तो स्क्रीनशॉट पहले इसका। झटपटी, जसवंत सिंह जसोल फेमस बीजेपी लीडर, यस ओमपाल सिंह, गणेश दान, हाँ आरएस, तो देखो झटपट्टी क्या होता है याद रखना, जब भी पट्टियों पर बैठो बकरी, आपने कभी देखा होगा ऐसी बिछाई हुई पट्टियां होती है, कभी कभी ये पहनने के भी अपन देखते हैं तो ऊन के चुभते रहते हैं, रैशेज जो जाते हैं, वो क्या है, ये ऐसी ऊन के बने हुए तो कपड़े हैं। तो आप देखो पट्टियां स्कूलों में खूब बैठे अपन, बकरी के बाल की पट्टियां, जसोल बाड़मेर, बकरियां कहाँ है ये झटपट्टी, तो बाड़मेर याद रहेगा, बकरी बाड़मेर में है, जसोल बहुत फेमस है, देखो कितने सारे नाम आ गए कि बीजेपी लीडर जसवंत सिंह जसोल के फेमस हैं, आप सब लोग आरएस का भी नाम बता रहे हो, तो जसोल फेमस नेम है, कहाँ, यहाँ की बहुत अच्छी रियाण प्रथा भी है,
आगे पढ़ेंगे अपन प्रथाओं में। तो जसोल, बाड़मेर और इस उद्योग को क्या कहते हैं? जिरोई। बकरी के बाल की पट्टियों पर हम बैठे हैं, ऐसे बोलो, बैठे हैं, तो क्या हो रहा है? या फिर हम क्या कर रहे हैं, इस उद्योग को हम खुद करते हैं, है ना, ये काम हम खुद करते हैं। तो आपसे, जैसे आप कर रहे हो, एक मिनट के लिए सोच लो, अब तो सब कुछ आसान है माधुरी, आप करते हो इस काम को, बकरी के बाल से पट्टियां बनाते हो और आप जसोल बाड़मेर से संबंधित हो, तो हम आपसे पूछ रहे हैं क्या काम करते हो आप भी, देखो, बकरी के बाल से बेचारी बकरी को परेशान करते हो, तो आप कहोगे कि हाँ, बहुत चुपती है ना नुपुर, आप कहोगे क्या करें मैम, ये उद्योग करते हुए, ये काम करते हुए जी बहुत रोता है, जी रोई, जी रोता है ना आप सबका, जी रोई, बोलो हितेश, जी रोई, बहुत गंदा काम है, यहाँ से भागला भी नहीं सकते, यहाँ से हम भाग भी नहीं सकते, क्योंकि हमारी आजीविका का साधन यही है। बताओ याद हुआ या नहीं? अरे हाँ ओमपाल सिंह, जैसलमेर पे भी बात करेंगे, तो जसोल बाड़मेर, ये तीनों जो नाम याद हुए या नहीं, और हुए तो परमानेंट हुए या नहीं, ये परमानेंसी का मतलब होता है, वैसे भूल भी जाओ तो जब ऑप्शन आपके सामने आएगा तब देखना आप कंफ्यूजन नहीं होता है, नहीं होता ना जी रोई, बहुत गंदा काम है, मैं भाकला भी नहीं सकता। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्या है, जरी, जरी क्या है, जरी का काम, ये जरी का काम सवाई, सवाई मानसिंह के काल में तो है ही है, और कहां से लाए थे ये, सूरत से, तो क्या हो जाएगा, जयपुर का प्रसिद्ध, बस इतना ही करना है। जरी के काम में सोने चांदी का काम होता है भाई, आपने सुना होगा जरी की पोशाकें, ओहो कोई बात नहीं, लगाओ, देखो सवाई मानसिंह, उसके बाद में आप ये देखो कि सूरत से ये कला आई, जयपुर की प्रसिद्ध है, सोने चांदी का इसमें क्या होता है, काम होता है, जरी की पोशाकें बहुत प्रसिद्ध है, सोने चांदी का, महंगी होती है पोशाकें, सोने चांदी का काम, ठीक, जरी को जरा संभाल के रखना, बहुत महंगी है, क्यों महंगी है, क्योंकि सोने चांदी का इसमें वर्क है, और जयपुर, जरी जयपुर, जरा संभाल के रखना, बहुत महंगी है, क्लियर। लो जरी के बाद आया खेसला और नांदना, देखते हैं खेसला, ये खेसला सूती मोटी ओढ़ने की चद्दर क्या कहलाती है, खेसला। खेसला कहाँ का प्रसिद्ध है, खेसला लेटा जालोर, लेटा गांव है जालोर, इस लेटा गांव को बोलते हैं 100 बुनकरों का गांव, तो लेटा गांव कहाँ है, जालोर में। खेसला सूती कपड़े की मोटी ओढ़ने की जो चादर होती है वो खेसला कहलाती है, तो खेसला कब आएगी ये काम, जब आप लेटोगे तभी तो काम आएगी, तो खेसला लेटा और खेसला मैंने ओढ़ा, जा लेके आ भाई जालोर खेसला, ठीक है। हाँ शिव भगवान सब जगह है लेकिन फेमस है, ये तो घर में ही मिल जाएगा खेसला विशाल, तो लेटा नहीं मिलेगा, लेटा याद कर लो, जब भी खेसले की जरूरत कब पड़ेगी, जब मैं लेटा, जालोर। रुको अभी मीनू, और नेक्स्ट देखो जरी बादली भी आएगा, इसी में है ये कला में ही, मेरी दादी को दहेज में दी थी, जयपुर से लाई थी जरी के कार्य, ओके शोल,
देखो सब अपने घरों में ही मिल रही है ना, तो मैं कौन सा बिहार की कला पढ़ा रही हूँ, राजस्थान की कला है और हम राजस्थान के हैं तो कहीं ना कहीं तो मिलेगी ना। पहले इसको देखो, खेसला हो गया, फिर नांदना की बात आई, तो नांदना क्या चीज है? ये नांदना का सवाल, जब हम आदिवासी स्त्रियों के वस्त्र पढ़ेंगे तो परीक्षा में परीक्षा में बहुत बार पूछा गया सवाल कि नांदना कहाँ का प्रसिद्ध है, या फिर नांदना निम्न में से किसका वस्त्र है? तो आदिवासी महिलाओं का वस्त्र है नांदना, ये भी शाहपुरा, भीलवाड़ा, ये घाघरे की छपाई बोल दो आप तो एक प्रकार की, है ना, घाघरे बनते हैं इनसे, नांदना से। ये हम वस्त्र जब पढ़ेंगे तब देखेंगे कि ये नांदना की छपाई शाहपुरा भीलवाड़ा में, जो आदिवासी महिलाओं के वस्त्र हैं नांदना, सबसे प्राचीन वस्त्र जाना जाता है, हाँ भीलवाड़ा। और यहीं इस भीलवाड़ा का नाम आया, तो मैं यहाँ पे बताती हूँ, एक अभ्रक की छपाई होती है, चमकीली होती ना अभ्रक, अभ्रक की छपाई कपड़े पर, तो अभ्रक की छपाई को बोलते हैं भोदल छपाई, ये भी भीलवाड़ा की, क्योंकि अभ्रक जिसको हम माइका बोलते हैं, माइका सबसे ज्यादा कहाँ है? भीलवाड़ा। तो भोदल की छपाई, जो अभ्रक का आपने चूरा कभी किया होगा, देखा बिल्कुल बारीक हो जाता है, फिर अपन कभी जिस क्षेत्र में, जो इस क्षेत्र में है जहाँ जहाँ अभ्रक पाई जाती है, वैसे विशेषकर सबसे ज्यादा भीलवाड़ा में है, तो ये चमकीली होती है ना, तो कपड़े के ऊपर दूर से ही चमकीली पहचान में आ जाती, तो भोदल छपाई भी आ जाए तो वो अभ्रक की छपाई है, भीलवाड़ा, नांदना भी भीलवाड़ा। ओके, फिर देखो आप आता है कोटा डोरिया, जरदोजी, कोटा डोरिया, सबसे पहले कोटा डोरिया, बहुत हल्की, ठीक है, अपनी भाषा में लिखा रही हूं, बहुत हल्की होती है, किसमें? हल्की वजन वाली, ठीक है, सूती धागों से, रेशमी से, इन सब से इसकी क्या होती है? वीविंग। तो ये बहुत हल्की वजन वाली होती है कोटा डोरिया। फिर ये कहां से आई कला? तो इसका पहले तो निर्माण केंद्र देखो, निर्माण केंद्र लिखते ही चलो, केथून कोटा। अब मुझे कमेंट करके बताइए, केथून किस लिए प्रसिद्ध है? क्या ऐसी चीज है जहां भारत में केवल और केवल एक ही है वो चीज, और वो भी केथून कोटा में? क्या है? कोथून अलग है, केथून अलग है, ठीक है, तो केथून कोटा किस लिए प्रसिद्ध है? फटाफट कमेंट करके बताएं। ये क्या हुआ था, कोटा रियासत के दीवान जालिम सिंह मुल्तान से लाए थे ये कला, ये कला ध्यान रखिएगा, जैसे सूरत से थी ना जरी, ये कला। अब यहाँ के प्रसिद्ध जो चित्रकार होंगे ना, दक्ष बुनकर जिसको अपन बोलते हैं, दक्ष, जिनमें दक्ष बुनकर थे, कौन? महमूद मंसूरिया, और उन्हीं के नाम पर इसका नाम मसूरिया साड़ी पड़ा। लो स्क्रीनशॉट इसका, कोटा डोरिया, केथून, क्या क्या लिख रहे हो, क्या आया था आपकी नजर में?
कि क्या प्रसिद्ध है, विभीषण और रावण, विभीषण मंदिर के लिए। यस किशोर यू आर राइट, विभीषण, नुपुर, सुरेश सबका आंसर सही था। विभीषण मंदिर भारत में एकमात्र कहाँ है, केथून कोटा में। स्क्रीनशॉट लो आप इसका। अब इसको कैसे करेंगे, कोटा डोरिया और मसूरिया साड़ी, ये तो बहुत फेमस नाम है मसूरिया, तो महमूद मसूरिया याद कर लो आप, तो मंसूरिया जिनके नाम पर ये पड़ा है ये याद रहे तो ठीक, नहीं तो कैथून कोटा, कैथून कोटा, कोटा डोरिया, मसूरिया साड़ी हल्की होती है वजन में, तो कैथून नाम जरूर याद रखिए। विभीषण का एकमात्र मंदिर कहाँ, कैथून। ठीक, तो ये कला भी बिल्कुल सिंपल हो गई ना, मसूरिया साड़ी कहलाती है। इसके बाद देखो क्या है, कोटा डोरिया के बाद आपका बचता है जरदोजी। क्या चीज है जरदोजी, गलीचा समझ ही गए, दरिया भी समझते हैं, तो जरदोजी कपड़े पर सुनहरे धागों से कढ़ाई, पहली चीज तो। दूसरी चीज आप ये देखोगे कि ये सुनहरे तार कलाबत्तू कहलाते हैं, कलाबत्तू। ठीक, और जयपुर प्रसिद्ध है जरदोजी, जयपुर जी, जरदोजी जयपुर जी, सुनहरे धागों की क्या, जरदोजी सुनहरे धागे। और सुने हाँ, कोटा डोरिया बहुत प्रसिद्ध प्रचलन में रहती है, हल्की होती है ना ये साड़ियाँ, दिखने में भी सुंदर, सूती रेशमी सब मिलती है। तो कपड़े पर क्या हो रहा है, सुनहरे धागों से जो कढ़ाई की जाती है उसे जरदोजी वर्क बोलते हैं, ये सुनहरे तार या धागे क्या कहलाते हैं, कलाबत्तू, धागे भी लिख सकते हैं अपन इसकी जगह, और ये जयपुर में प्रसिद्ध है। ठीक, जरदोजी। उसके बाद आप मुझे कमेंट करके बताएं कि गलीचा कहाँ का प्रसिद्ध है, गलीचा क्या होता है, ये मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी गलीचा और इधर दरी सब समझते हैं इनको, गलीचा कहाँ का प्रसिद्ध है और गलीचा किसे कहते हैं, कमेंट करें। जयपुर, जयपुर वे बीकानेर का तो है गलीचा, ये महंगे है ना, बहुत ज्यादा महंगे आते हैं, जितना ज्यादा अच्छा लेंगे लाखों में तो फिर हम क्या कर लेंगे, दरी पे ही आ जाएंगे। तो दरी, दरिया कहाँ की प्रसिद्ध है, फटाफट अब ये आप मुझे बताएंगे। टांकला कहाँ है, टांकला गांव, नागौर, सालावास, जोधपुर और लवाण, दोसा, यहाँ की दरियाँ प्रसिद्ध है, लवाण, दोसा, बस यहाँ वस्त्र हमारे क्या होते हैं, कंप्लीट। तो देखो गलीचा बिछाने का ही है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा शाही जगहों पर बिछाया जाता है, लेकिन हम तो आम आदमी की बात करेंगे, महंगे हैं, इधर चलो गलीचा, बिल्कुल गलीचा। दोसा इधर आ जाओ, दरी पर, दरी कहाँ कहाँ की प्रसिद्ध है, तो देखो आया जो तो आया घर साला, लेकिन साथ में दरी भी टांक लाया, दरी टांकला लवाण, याद रह जाएगा, दरी टांकला लवाण, सालावास, जोधपुर, टांकला, नागौर, लवाण, दोसा। हाँ देखो ओपी गुजर को आई हंसी, बोलो हंसी हंसी में ये याद हुए या नहीं हुए, यहाँ वापस चलते हैं, दरी याद रह जाएगी ना, टांकला, सालावास और लवाण, वहीं गलीचा, जयपुर, बीकानेर। देखिए वापस कला, कहीं कोई कंफ्यूजन किसी भी प्रकार का, कोटा डोरिया कंप्लीट है, जरदोजी कंप्लीट है, गलीचा, दरी। अब इसको रिवाइज करेंगे हम, एक और आता है वैसे तो,
चटापटी, एक नाम है चटापटी, कमेंट करके बताओ अगर इसको जानते हो तो। चटापटी क्या होता है? कपड़ा काट कर एक दूसरे पर टांकना, इससे क्या बनता है? कनात देखी हो आपने, कनात के साथ साथ में किसी भी चीज को ढकने के लिए, कावड़ ढको, बेवान ढको, उसके लिए बनाते हैं चटापटी। कपड़ा काट करके एक दूसरे पर टांकना, सिलाई करके। कनात देखी ना आपने, डबल डबल ऐसे खींच के देखो तो गेप लगता है बीच में, चटापटी का वर्क। इरफान खान आपको याद हुए? आया तो साला आया, लेकिन दरी लवान लाया टाक कर। बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो ये सारी हो गई, अब देखते हैं अपन रिवाइज करते हैं इनको, आभूषण की कल पढ़ेंगे। देखो थोड़ा सा वेट करना, क्योंकि अपन रिवीजन को ऐसे करेंगे। ये देखो सबसे पहले आपको ये पिछवाई दिखाई दे रही है। तो हमने वस्त्र पर कला क्या पढ़ी? पिछवाई। पिछवाई का मतलब क्या हुआ? श्रीनाथ जी के इस मूर्ति के पीछे जो पर्दे हैं, उस पर जो चित्रण है, उसमें गहरा रंग है। नादवारा में जांगीर है, गोड़ है, ब्राह्मण है और नरोत्तम शर्मा है। ये तीनों शब्द हमें याद थे या नहीं? तो ये देख लीजिए कौन सी कला, पिछवाई कला। इसके बाद देखते हैं अपन फड़ चित्रण। तो फड़ में आपने क्या देखा? ये से फड़ बना रहे हैं, देखो ये कपड़ा पड़ा है लंबा, 24 हाथ 20 हाथ, समझ रहे हो? तो फड़ चित्रण शाहपुरा भीलवाड़ा का, जो किसी देवी देवता लोक चित्रण, या अब तो नाना कोरोना जब शामिल हो गया तो विषय कोई भी शामिल हो सकता है जिसका वर्णन किया जा सके। कोरोना का वर्णन कितना कर सकते हम, तो वो चित्रण होगा ही होगा। इरफान खान, कोई बात नहीं, आप देख रहे हो ना, धीरे धीरे सब जुड़ जाएंगे। तो फड़ चित्रण शाहपुरा भीलवाड़ा का हमने देखा। हमने नया क्या देखा? शाहपुरा भीलवाड़ा छीपा जोशी परिवार देख लिया, श्रीमती पार्वती जोशी, श्रीमान लाल, श्रीलाल जोशी देखा हमने, पद्मश्री प्राप्त है वो तो। उनके अलावा हमने क्या क्या देखी? फड़ अलग अलग देख ली, बहुत बार पढ़ ली, अब तो आपके मन में बस गई होगी फड़। लेकिन शांतिलाल जोशी का कल हमने देखा, हल्दी घाटी, संयोगिता हरण, और क्या थी, शाहपुरा की गणगौर सवारी, ये चीजें हमने देखी है ना। तो ये नई चीज अपने फड़ में, फड़ का चातुर्मास में चित्रण नहीं होता है, जीर्ण शीर्ण होने पर इसे क्या करते हैं, पुष्कर में प्रवाहित कर देते हैं, उसे बोलते हैं फड़ ठंडा करना। देखो ये सब चितेरे हैं जो क्या बना रहे हैं, फड़। इसके बाद ये देखो फड़ चित्रण, देखो तो सही आप राजस्थान की कला को। ये आया फड़ के बाद, पिछवाई और फड़ के बाद क्या पढ़ा था हमने, बंधेज। तो बंधेज में जोधपुर सुजानगढ़ आपने याद किया, ये एक कलर करने की टाई एंड डाई। देखो ये बीच बीच में देखो रंग कौन सा, जमीन कैसी है, भूरी भूरी ब्राउन है, उसके ऊपर व्हाइट भी है, ये ग्रीन भी है, फिर बूंद बूंद देखो अलग अलग कलर में है। तो ये बिल्कुल महीन महीन धागों से, आपने खरीदा हो तो पता होगा कि धागे निकलते हैं, तो धागे बांध करके फिर टाई एंड डाई, ये कला। तो बंदेज कहाँ का प्रसिद्ध है, मंडी जोधपुर, और सर्वाधिक काम कहाँ होता है, सुजानगढ़ चूरू। मुबारक और खाजू छिपा वहां देखा था, तैयब खान अपनों ने यहाँ जोधपुर में देखा था। क्लियर? लिकाई, टिपाई, बंधाई, फागणिया, ये तो पीला, ये छप्पन, ये सब शब्द किससे संबंधित थे, बंदेज से, याद थे ना। नेक्स्ट देखें, ये रिवीजन चल रहा हमारा। दाबू क्या है? किसी कपड़े पर जहाँ कलर नहीं करना होता है, ये देखो वाइट बेस है, ये अपन को नीले नीले दिखाने, जहाँ रंग नहीं चढ़ाना है वहाँ क्या करेंगे, लेई या लुगदी लगा देंगे। ये लेई और लुगदी ही दाबू कहलाता है, और ये दाबू मतलब दबाना,
ये भी है अर्थ होता है इसका। और ये अकोला चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। इसमें अलग अलग प्रकार के दाबू होते हैं, जिसमें मिट्टी का दाबू बालोतरा का है, मेण का दाबू कहाँ है सवाई माधोपुर में, वहीं गेहूं का बींदन लगता है हमारे सांगानेरी प्रिंट और बगरू प्रिंट। क्लियर यूपीएससी बादशाह बिल्कुल आने वाली, ये समझो आ ही गई है। ये सब दाबू प्रिंट है। वहीं आपने अकोला का जाजम आपने देखी, जाजम और आजम, जाजम बिछाने की होती है बहुत बड़ी, अलग अलग बहुत मोटे मोटे भी इसमें डिजाइन होती है, जिसमें गहरे रंगों का प्रयोग, लाल भी है हरा भी है उसका प्रयोग होता है। आजम एक प्रकार से घाघरे की छपाई है, जो भी कहाँ है अकोला में। क्लियर। इसके बाद देखो सांगानेरी प्रिंट। सांगानेरी प्रिंट में अभी हमने देखा इसका आंगन कैसा होता है, सफ़ेद रहता है। इसका विषय कुछ भी हो सकता है और इसमें कलर भी क्या है, रासायनिक भी है और वानस्पतिक भी है, यानी कि प्राकृतिक भी है। अब इसमें और देखो कौन प्रसिद्ध नाम आया, मुन्ना लाल गोयल नाम याद रहेगा आपको सांगानेरी ब्लॉक प्रिंटिंग का। इसके बाद देखें आगे बगरू की प्रिंटिंग। बगरू की क्या विशेषता है, बेल बूटा, ये जो बेल बूटे पत्तियां हैं ये यहाँ की एक अलग से पहचान है। मटिया कलर होता है इसका आंगन और यहाँ वानस्पतिक रंगों का प्रयोग होता है। यहाँ किसका नाम है, राम किशोर छीपा, ओमपाल सिंह विश्व प्रसिद्ध। ठीक। अब आप देखो आपने आज खड़ी पढ़ा, खड़ी का मतलब मिट्टी। अब देखो आज जो पढ़ा कैसे याद है, मिट्टी में गोंद मिश्रित करके छापे बनाएंगे, फिर उनके ऊपर सोने चांदी के ये बेल बूटे बनाएंगे, कोई भी डिजाइन बनाएंगे छापों से। ये जयपुर और उदयपुर की प्रसिद्ध कला। ठीक। बातिक कला क्या होती है, ये दरारें जितनी भी दिख रही है ना, ये सब क्या है, पहले ऐसे मार्कर से बना देते हैं आउटलाइन इसकी और उसके बाद में मोम बिछा देंगे जहां पर ये कलर जाएगा ही नहीं, क्योंकि पहले ड्राफ्टिंग हो चुकी है, फिर वो मोम में पड़ी दरारों के माध्यम से ये कलर चटक चटक के आए हैं जो आपको सुंदर लग रहे हैं। तो ये कहाँ के हैं, बातिक मोम की सहायता से चित्रण, खंडेला सीकर और इसमें कौन है, उमेश चंद्र शर्मा। सुनील प्रणाम आपको भी। लक्की लक्की शिवानी पूछ रहे हैं आप कितनी बजे ऑनलाइन आते हैं, इनको जवाब दीजिए। डेली क्लास होती है 10 बजे, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ऑल के साथ, ओके। फिर हम करते हैं, अभी हमने पेच ऐसे टुकड़ा टुकड़ा किया था ना, अलग अलग रंग के छोटे छोटे टुकड़े दिख रहे हैं आपको, कोई किस डिजाइन में, कोई किस डिजाइन में, कोई किस डिजाइन में, अलग अलग रंग के टुकड़ों को कपड़े पर जोड़ करके जो डिजाइन बनाई जाती है वो क्या है, पेच वर्क। शेखावाटी का प्रसिद्ध है ये भी। प्रमोद गुड मॉर्निंग, जयेश गुड मॉर्निंग, यू टू। अब ये पेच वर्क आपको देखने से समझ में आ गया होगा, नहीं तो इसको और देख लो, कितनी अलग अलग डिजाइन है सबकी। तो अलग अलग रंगों के टुकड़ों को काट करके कपड़े पर सिलाई करना क्या कहलाता है, पेच वर्क, ओके। नेक्स्ट देखें अजरक। अजरक कहाँ की प्रसिद्ध है, बाड़मेर की। अजरक खत्री जाति द्वारा इसकी छपाई होती है। मोहम्मद यासीन छीपा नाम याद रखेंगे यहाँ पर। इसमें दोनों ओर क्या होती है, रंगाई होती है, जबकि मलीर में एक ओर होती है, इसमें नीला भी है तो लाल भी है कलर, और वहाँ क्या हो जाएगा, काला कथाई, मिलता जुलता गहरे रंग ही है। ठीक। इसके बाद में ये एक शब्द आया ठप्पा, जो अपन कहते हैं ना कैसे लगते होंगे, तो आपने दाबू में मैंने कल एक शब्द बताया था बतकाड़ा, तो लकड़ी की क्या होती है, ऐसी एक ब्लॉक बने हुए होते हैं, तो उनसे अपन कलर भरते हैं और फिर कपड़े पर छाप देते हैं, वो कहलाता है बतकाड़ा, है ना। तो ये देखो कैसे ठप्पे लगा रहे हैं, ये है छपाई, ठप्पा छपाई। ठीक। नेक्स्ट देखें नमदा, या तो नमजा या कूट कूट करके कलात्मक वस्तुएं बनाएंगे, ध्यान है टोंक। तो यहां देखो ये आपने बैठने ये पैर पहुंचने के भी देखे होंगे, ऐसे अलग अलग डिजाइन के हैं जो किससे होते हैं, ऊन से बने होते हैं, यह है नमदा, ओके। नेक्स्ट देखें जरी का वर्क।
जरी सोने चांदी का काम कितनी बारीकी से और कितना सुंदर लगता है और ये जयपुर का प्रसिद्ध है। ठीक, नेक्स्ट देखें, खेसला, ये खेसला बना रहे हैं, ये सर क्या बना रहे हैं, खेसला महीन महीन धागों से। कैसे बनेगा खेसला, बन के तैयार हो जाएगा, लो ओढ़ो इस खेसले को। लेटा और ओढ़ा, तो लेटा गांव कहाँ है, जालोर, और वहां का खेसला प्रसिद्ध है। ठीक, इसके बाद देखो नांदना की छपाई होती है, नांदना, शाहपुरा, भीलवाड़ा, वहीं बोदल की छपाई। बोदल बोलते हैं हम अबरक से, जो थोड़ी सी दूर से ही हमको क्या दिखाई देती है, ऐसी चमकीली ब्राइटनेस होता है उसमें, वो क्या है, बोदल की छपाई। क्योंकि अबरक को स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, बोदल ही बोलते हैं, इसलिए इसकी छपाई कहलाती है बोदल छपाई। ठीक, इसके बाद देखें कोटा डोरिया, देखो कितनी हल्की होगी वजन में। कोटा डोरिया में महमूद मंसूरिया याद रखना है और केथून याद रखना है, तो मंसूरिया से ही मसूरिया क्या हुई, साड़ियाँ हुई। वहाँ पर कोटा में ही एक जगह है कोटसुवा करके, वहाँ पर जैनब, जैनब नामक महिला बहुत प्रसिद्ध कलाकार हुई सूती साड़ियों की, तो वो जैनब साड़ियाँ भी आ जाए तो कोटा ही आंसर होगा उसका, जैनब की साड़ियाँ। इसके बाद देखो जरदोजी, जरदोजी में क्या है, सुनहरे इससे क्या हो रही है, कढ़ाई हो रही है। कहाँ है जरदोजी, जयपुर में। ठीक, नेक्स्ट कला देखो गलीचा, ये गलीचे बहुत महंगे महंगे, आपको कालीन दिख रही है छोटा सा, लेकिन ये बिछाने के हैं गलीचे, तो गलीचे कहाँ के प्रसिद्ध हैं, अभी पढ़ाया मैंने, कमेंट करके बताएं, अलग ही पढ़ाई चल रही है। अब ये गोटे के प्रकार हमने जो किए थे, दरिया तो आप जानते ही हैं इसलिए नहीं लिया, क्योंकि दरिया टाकला नागौर सालावास जोधपुर और लवाण दोसा की प्रसिद्ध है, ये अब आपके छप गई ना दिमाग में। वहीं आप देखो कैसे कैसे ये अलंकरण बताए थे, किरण, बांकड़ी, गोखरू, लप्पा, लप्पी, बीजिया, चंपा कली, ये सब क्या है, गोटे के प्रकार हैं जो वस्त्र को सजाते हैं। तो यहाँ देखो ये कौन सी कला है, बिजिया, बिजिया ऐसी होती है ये, है ना। इसके बाद देखें ये क्या चीज है, किस प्रकार की, ये वो किरण बांकड़ी जो आया था ना, तो बांकड़ी की डिजाइन ऐसी होती है, आपने देखी होगी गोटा पत्ती की दुकानों पर, तो ये बांकड़ी है, ये प्रश्न पूछा हुआ है, बांकड़ी, किरण, बांकड़ी, गोखरू किसका प्रकार है, तो वो गोटे का प्रकार है। देखिए गोखरू में क्या हुआ, उस दिन पढ़ाते वक्त बताया था कि ये गोखरू एक प्रकार का फल है, देखो कांटेदार दिख रहा है आपको, है ना, ऐसे ही एक आभूषण है और ऐसा ही एक गोटा है। तो आभूषण देखते हैं, आभूषण में पढ़ लेंगे अपन, ये है ऐसी डिजाइन का, देखिए आप, ऐसा आप बन जाएगा ना कड़ा, ये जो डिजाइन है, तो ये तो हो गया हाथ में पहनने वाला आभूषण, और ये देखो गोखरू की तरह ये कांटेदार है, ये हो गया हमारे गोटा का प्रकार, तो ये दोनों ही है, इज इट क्लियर, गोखरू। इसके बाद में देखिए गोटा कैसा होता है, इतना बड़ा ही है गोटा, लप्पा लप्पी, ये किरण, ये जो झालर से दिख रही है आपको, ये क्या है, किरण लगी हुई, देखी ना आपने लुगड़ियों पैसे किनारे पे लगी हुई होती है, तो वो कहलाती है किरण। वहीं देखो ये ऐसे गोटा लगी हुई ड्रेस कैसा लगता है, ये गोटा बड़ा से जो लग रहा है, गोटा पत्ती। ठीक, इसके बाद देखें मुकेश जो था, मुकेश का अर्थ है छोटी छोटी बिंदियों का वर्क, क्या कहलाता है, मुकेश वर्क, तो आपने ऐसी साड़ियां पे देखी होगी। फिर ये चंपाकली में ये अलग से ऐसी बॉर्डर आती है, चंपाकली हार होता है ना ऐसा डिजाइन का बना हुआ, वैसी ही ये कला है। ठीक, तो ये थी हमारी राजस्थानी हस्तकला, सिर्फ किसमें, वस्त्रों में, और वस्त्रों की ये कला जहाँ तक मैं समझती हूँ अब तो आपके दिमाग में अमिट हुई या नहीं हुई, रिवीजन करने की जरूरत अब तो नहीं है ना। इन 8 पॉइंट में से हमने मात्र और मात्र और मात्र अभी एक कंप्लीट किया है, लेकिन ये एक ऐसा हो गया कि कोई भी हमसे अब आंख बंद करके आप बोलो तो बोल पाओगे, ये मेरा विश्वास है, आगे आप जाने आपकी ईमानदारी।
तो आज के लिए इतना ही, और कल हम अगला पढ़ेंगे जिस पर पढ़ेंगे आभूषण या जेवर पर, क्या चीज की कला है जिसमें मीनाकारी, थेवा कला ये सब कुछ आएगी। तो आज के लिए इतना ही, विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद।